अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज डैनी H150 पावर चार्जर मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चार्जर है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो लेकर आया हूँ। ये तमाम लोगों का मसला हल कर देगा कि जिनको मुख्तलिफ ब्रांड्स में फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, डुबल इंजन चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये डैनी वालों ने बड़ा अच्छा किया ये चार्जर निकाल के। 18 वाट का ये क्विक चार्जर है और इसमें अमेरिकन क्वालकॉम चिप लगी हुई है जो कि 3.0 एम्पीयर जो है ना इसमें आपको आउटपुट देती है। ऑटो आईडी 3 यूएसबी पोर्ट्स के साथ है। फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग ये सब आपके मसले हल करेगा। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आपको भी इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स के फ़ोन यहाँ पर रखे हुए हैं। सैमसंग का ए सीरीज़ का फ़ोन है A50, हवावे का Mate 10 Pro, इसमें क्विक चार्जिंग होती है वो चेक करवाएंगे। फिर सैमसंग का S10, इसमें फास्ट चार्जिंग होती है। और फिर ये वीवो का Y51 जो अभी मॉडल आजकल नया इन है, इसमें डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग होती है। तो हम तजर्बा करेंगे कि क्या ये सबके मेयार पे पूरा उतरता है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही कंप्लेन रहती है कि उनके पास एक कंपनी का चार्जर जो उनको साथ डब्बे में मिलता है तो वो दूसरी कंपनी के फ़ोनों को फास्ट चार्जिंग नहीं करता। लेकिन इन्होंने डैनी वालों ने बड़ा अच्छा वर्क किया कि इसमें उन्होंने ऑटो आईडी डाला है। तो जैसी आपके फ़ोन को ज़रूरत होगी ये वैसा ही उसमें करंट प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं, मज़ीद तफसील इसकी हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो जब आप खोलेंगे तो ये आपको बड़ा ही हैवी वेट किस्म का डैनी का इसमें से आपको चार्जर बरामद होगा। और बिल्कुल आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी जो इनकी पावर प्लस एक वो एक्सटेंशन थी पावर सॉकेट, तो उसमें भी बिल्कुल आपको इसी तरह के ऑटो आईडी वाले ग्रीन और ऑरेंज आईडी वाला क्विक चार्जिंग के लिए पोर्ट नज़र आती थी। तो हम इसको अब जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर किसी एक्सटेंशन में लगाते हैं। और अच्छा, इसके साथ जो आपको केबल आती है, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो केबल जो है ना वो टाइप सी केबल नहीं दी है। इन्होंने ये जो है ना माइक्रो यूएसबी पोर्ट टाइप केबल दी, हालांकि इनको टाइप सी केबल साथ देनी चाहिए थी लेकिन वो इन्होंने नहीं दी। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको लगा लिया है और अब मैं इसमें ऑरेंज वाली पोर्ट में, अगर आपको नज़र आ रही हो तो मैं ये एक सी टाइप केबल लगाऊंगा। और सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये वीवो में डुअल इंजन जो चार्जिंग ऑप्शन रहती क्या वो करेगा। तो आप देखेंगे ये कनेक्ट हो गया है और बिल्कुल कुछ टाइम के बाद उसने डुअल इंजन, अगर आपको मैं दिखा सकूं ज़रा फोकस करके, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन इसमें आ गई है। और आपको पता है कि जैसे ही ओप्पो और वीवो में डुअल इंजन चार्जिंग शुरू होती है तो इसका ये आइकन ऊपर से जो फ्लैशिंग वाला है ये ऑरेंज हो जाता है। तो वीवो पे तो ये काम कर गया, ये था Y51। अच्छा, अब हम फ़ोन इसमें निकालेंगे सैमसंग का S10, गैलेक्सी S10 फ्लैगशिप मॉडल है इनका। तो देखते हैं कि इसमें भी थोड़ी देर के बाद इसने फास्ट चार्जिंग का मैसेज दे दिया है, यानी कि इस पर भी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो उसके बाद हम अब तीसरी चीज़, एक ब्रांड हवावे Mate 10 Pro, हवावे में आपको पता क्विक चार्जिंग का मैसेज आता है, तो इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर चार्जिंग आ रहा है, अभी तक क्विक चार्जिंग नहीं हुआ। लो जी, ये क्विक चार्जिंग पे पहुँच गया। तो अब ये तीनों ब्रांड पास हो गए। अब एक और इशू जो मोबाइल यूज़र्स को आता है वो ये आता है कि सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज़ के जो फ़ोन हैं एस सीरीज़ के, उनमें मसला है कि ए सीरीज़ पे वो फास्ट चार्जिंग नहीं करते, तो या ए सीरीज़ वाले उस पर नहीं करते, कुछ लोगों को ये मसला रहता है। तो उसके लिए मैंने A50 सैमसंग का मेरे पास पड़ा हुआ था, इसमें हम ये चार्जर लगा कर देखते हैं कि इसमें वो फास्ट चार्जिंग का पैगाम देता है कि नहीं। बिल्कुल जी, इस पे भी ये फास्ट चार्जिंग कर रहा है। तो इसके बाद मेरे पास एक फ़ोन है वीवो का, पुराना सा फ़ोन है, V17 है, वैसे तो उनका ये फ्लैगशिप मॉडल ही था। तो इसमें भी डुअल इंजन चार्जिंग होती है, इसमें लगा के देख लेते हैं इसमें क्या क्या करता है। तो इसमें चार्ज्ड आ रहा है, हाँ ये देखें, इसमें भी डुअल इंजन का वो ऊपर से, आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ, थोड़ी देर के बाद ही डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग उसने शो कराना शुरू कर दी है। जैसे ही इनका ये आपस में लिंक होता है तो साथ ही ये डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग आप देख रहे हैं कि हो रहा है। तो ये बड़ा ही एक मुफीद चार्जर है और शाजी मोबाइल पर ये अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपने शाजी मोबाइल पर ही ख़रीदना है, आपको जहाँ भी मिले आप इसको ख़रीद सकते हैं। मैंने आपको मॉडल नंबर इसका बता दिया है, एक दफ़ा मैं आपको डब्बा दिखाता हूँ। H150 पावर चार्जर डैनी वालों का है। ये शाजी मोबाइल्स पर तो हम सेल कर रहे हैं 1200 रुपये का, तो बाकी आपको आपके करीब से कितने का मिलेगा ये आप पता कर लीजिएगा।
लेकिन ये जो अच्छे फ़ोन यूज़र हैं उनके तमाम मसाइल का हल है। और ये ऑटो आईडी जो है ना, ये सिर्फ आप ये ना समझें कि एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए है, ये एप्पल के फ़ोन्स पे भी उसी तरह बेहतरीन चार्जिंग करेगा जिस तरह ये एंड्रॉयड पे करता है। तो ये एक बड़ी ही मुफीद चीज़ थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा लूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी चार्जर की अच्छी है, अगर आप इसकी स्पेक्स थोड़ी सी देख लें तो ये 30 वाट मैक्सिमम चार्जिंग करता है और इसमें अमेरिकन क्वालकॉम की चिप लगी हुई है, ये कोई आम चार्जर नहीं है चलता फिरते वाला। तो एक अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।